Thank you हेलो 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 रिवान वेलकम स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से कस्टम रूम में हमारे चैनल पे तो वेलकम है सभी बंदों का स्वागत है हम आ चुके हैं लाइव तो गाइस सभी कॉलेज के दोस्तों को स्वागत है सभी कॉलेज के दोस्तों का और आज का इवेंट हम चालू करने जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा कॉलेज के ग्रुप पे जल्दी जल्दी आपको आईडी पासवर्ड मिल गया होगा जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया होगा जल्दी से ज्वाइन कर लो और कुछ ही मिनटों में हम कस्टमर रूम चालू करने वाले हैं मैं खुद स्पेक्टेट कर रहा हूँ अगर मजे लेना है तो आ जाओ जल्दी जल्दी कम ऑन तो चैट के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँगा ठीक है मैं कस्टमर रूम स्पेक्टेट करने वाला हूँ तो चैट थोड़ा छील रहना ठीक है चलो तो गाइस ये है हमारे कॉलेज का एक छोटा सा इवेंट तो जल्दी जल्दी आप लोग जॉइंड हो सकते हो और खेल सकते हो हमारे कॉलेज का इवेंट ठीक है तो हमारे साथ थर्टी एट बंदे जॉइंड हो चुके हैं और अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया होगा अभी भी अपने अपने दोस्तों को शेयर करो जिनको आई पासवर्ड मिला है अभी वो लोग जल्दी जल्दी अपने अपने दोस्तों को शेयर करो और जो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे होंगे वो जल्दी से ज्वाइन कर लो तो हम कस्टम रूम चालू करते हैं कर दो चलो चा, चा, स्टार्ट करते हैं हम कस्टम रूम स्टार्ट लेट्स गो ओ य चलो वेलकम वेलकम सभी बंदों का स्वागत है एडियन बैनिक वाइटी वेलकम ब्रदर स्वागत है प्रणव भैया वेलकम राहुल शानी वेलकम ब्रो ओपी बोलते आकाश सर जी अरे थैंक यू सो मच नवरी डार्लिंग चलो एंड पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम नंबर वन करता करता कर तो में पाए पूरा यहाँ पे लॉबी कच भरा हुआ चालीस लोगों की चालीस लोगों में एक बंदा बस कम है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इवेंट चालू हो चुका है तो आप लोग मजे लीजिए सभी लोग मिलकर ट्वेंटी एट बंदे देख रहे हो जिन्होंने भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाऊंगा जल्दी से कर दो ऑन लेट्स गो यो ये मज़े मिल रहे हैं मज़े लो मज़े लो मज़े लो ये लो कस्टम कैसा होता है एक पढ़ाई के साथ साथ हम गेमिंग की तरफ कितना ध्यान देते हैं आज अपने को देखने के मिलेगा यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलो चलो गाइस यहाँ पे प्लेन उड़ चुका है हॉस्पिटल होते हुए जा रहा है प्लेन सीधा लिपो का की ओर और, और रोजोक में भी यहाँ पे अपने को बहुत ही बेहतरीन अपने को यहाँ पे प्रदर्शन देखने मिलेगा अपार्टमेंट की ओर तो हमारा फेवरेट होता है अपार्टमेंट देखते कितने बंदे अपार्टमेंट लैंड करते गए हैं बंदे यहाँ पे जम कर चुके हैं हॉस्पिटल में वाह वाह वेरी गुड वेरी नाइस आहा जोरजो पुल में बंदे ने जो यहाँ पे तीन नंबर का टीम जो है वो जोरजो पुल में जम कर दिया है क्या बात है क्या चीज है आ ये तो घटका निकल रहे, रहे। जोरजो में साला जम करके घटका की ओर निकल रही क्या बात है यानी जोरजो पुल में सिर्फ एक ही टीम आई है उस टीम है सेवन नंबर की टीम इसको बोलते डेयरिंग के साथ साथ गेम प्ले खेलना हिमांशु सर वेलकम स्वागत है अरे क्या बोलते डी डी एम की पब्लिक अरे सब कुछ बढ़िया ना गाइज यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोजोक रोजोक की तरफ भी बंदो ने जम कर चुके हैं क्या बात है और भाई भाई एक भी प्लेन की लाइनअप में एक भी बंदो ने एक भी टीम हमको जम करती हुई नहीं कि सारे इधर उधर फैल चुके हैं पूरे एरेंगल मैप में चारों तरफ बस एनिमी एनिमी दिखाई दे रहे क्या बात है क्या बात है अब तो फाइट होना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे मल्टा की ओर बंदे जा रहे हैं वाइपर टीम नंबर ट्वेंटी के बंदे सारे मल्टा की ओर और, और उसके साथ साथ एक दूसरा टीम है वो छः नंबर का टीम ये इनके साथ साथ में ही है देखते हैं यहाँ पे बेहतरीन फाइट देखने को मिलेगा और यहाँ पे पोचिंग की ओ माई गॉड सारे बंदों का यहाँ पे बहुत ही फेवरेट प्लेस होता है ये पोचिंग की तो पोचिंग की अगर बंदे लाइन अप हो या ना हो पर पोचिंग की जरूर आएंगे और यहाँ पे सेवरनी में काफ़ी बेहतरीन तीन टीम आई है सेवरनी में भाई साहब सेवरनी बोलते सेवरनी की जगह कोई नहीं छोड़ सकता ये मैप के बाहर का बहुत बड़ा एक हॉट ड्रॉप होता है जो बंदे यहाँ पे जम करने से डरते नहीं पर जिनको पता है वो डरते हैं चलो यहां पे पोचिंग की मैं फाइट देखने को मिला सबसे पहले अपने को, को। सर अरे कितने मैचेस है सर अनलिमिटेड मैचेस है तुम टेंशन मत लो बस ज्वाइन होते रहो मजे लेते रहो मैचेस होते रहेंगे जितने देर तक आज स्कोरबोर्ड रुकेगा नहीं तब तक के मैचेस होते रहेंगे आप टेंशन मत लो हो सके पूरा दिन हम इवेंट करेंगे फुल फुल मजा फुल मस्ती फुल राड़ा और यहाँ पोचिंग की में सारे बंदे अपना अपना लूट रहे हैं टीम नंबर वन टीम नंबर ट्वेल्व और टीम नंबर टेन के बंदे यहाँ पे और टीम नंबर ट्वेल्व का जो बंदा है वो सोलो है और यहाँ पे टीम नंबर वन के बंदे ने यहाँ पे रश कर चुका है और यहाँ पे ये यह क्लच देखने को मिलेगा अपने सबसे पहला वाला क्लच सोलो वर्ष स्क्वाड के साथ यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगा अपने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या बात है यहाँ पे पानी में डूब के बंदे मर चुके और यहाँ पे सवरनी में भी लड़ चुके बंदे और यहाँ पे लिपो का में फाइट हो गई है लिपो का में एक बंदा इनका खिल हो चुका है नाइस गेम प्ले और इन्होंने सारा स्क्वाड खा डाला यहाँ पे रपा टपा पूरा लिपो का खाली कर दिया है दो बंदों ने मिल और यहाँ पे तो फाइट खत्म हो चुका है और सीधा हम चलते हैं सेवरनी की और सेवरनी में फ़ाइट देखने मिलेगा अभी सीधा हमने ये फाइट मिस कर दिए क्या बात है दो बंदे ने यहाँ पे एक लिपो का खाली कर दिया और सेवरनी से लोग कल्टी मार रहे धीरे 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 जितना हो सके उतना कल्टी मारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सेवरनी में हो चुका है कचरा और लोग सोचते कि हमको बहुत देर तक सरवाइव करना है ठीक है तो ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे पोचिंग पोचिंग की में यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो चुका है ना हाथ तेरा से फायरिंग करूं रैली बराबर भाई तो और यहाँ पे पोचिंग की में हमको सीधा फाइट दिखने को मिलेगा और यहाँ पे जो सोलो बंदा जो कूदा हुआ था उसका यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे रश कर दिया है टीम नंबर टेन वर्सेस टीम टीम नंबर की और टीम नंबर वन काफी अच्छा का स्प्रे यहाँ पे देखने को मिला आपको यहाँ पे टीटीपी का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टीम नंबर वन वर्सेस टीम नंबर टेन और यहाँ पे काफी अच्छा ने रोटेशन मारा है काफी बंदे यहाँ पे देखने को मिलेगा आहा क्या बेहतरीन मैच आह ती दोनों तीनों एच पी का वन वन एच पी हो चुका है वन के टीम का और यहाँ पे दस नंबर का टीम यहाँ पे रश कर चुका है और यहाँ पे काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है क्या बात है क्या स्प्रे जा रहे हैं बंदों के ओ भाई या बंदे कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे गेम भी इंजॉय करते हैं इसका मतलब और यहाँ पे काफी अच्छा पीछे से वार किया है और बंदा एक ही बचा हुआ है टीम नंबर टेन का क्या एक बंदा क्लच दिखा पाएगा आपको दिखाने के आ हाँ यहाँ पे दूसरा और ये लाल बंदा यहाँ पे सीधा ओ भाई इसने कर दिया एक बंदे को घायल और यहाँ एक बंदा काफ़ी भारी पड़ सकता है अगर ये टीम नंबर वन के एक भी प्लेयर को अगर पूरा खाता है तो यहाँ पे ओ भाई काफ़ी अच्छा बेहतरीन डैमेज मिला इसको और यहाँ पे सीधा ये टीटीपी -टी का और ये नीचे कूद चुका है पीछे जाएगा बहुत ही बेहतरीन मैच यहाँ पे अपने टीम को छोड़ते हुए क्योंकि इसका सारा टीम हो चुका है खत्म और टीम नंबर वन का एक बंदा भी जा चुका है और एक ही बंदा बचा हुआ है काफी कम एचपी के साथ वो अपना हीलिंग कर रहा है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन नाइस गेम प्ले यहाँ पे अपना हीलिंग कर लो पहले सब लोग वही अच्छा रहेगा पहले एक ही बंदा बचा है तीन बंदे मिलके उनको सब को मार सकते हैं बहुत ही बेहतरीन मैच गौरव दादा ओपी अरे गौरव दादा कहा है आप <laughs> गो टूरू नाइस 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 काफी 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 और ये ग्रास में सोया हुआ बंदा क्या है ये बंदे को और यहाँ पे बंदा स्पॉट हो चुका है बंदे को अब अपनी पोजीशन और भाई तुझे भगने को तो मिलेगा नहीं अब तो रोहन भाई ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पोचिंग की पूरी तरीके से खाली हो चुका है एक नंबर के टीम का अपना एक बंदा इनको खोना पड़ा पर यहाँ पे पूरा पोचिंग की खाली कर दिया है और पोचिंग की में यही होता है एक तो करो या मरो वाला काम बस नाइस गेम प्ले नाइस नाइस बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे पोचिंग की में देखने को मिला आपको और सीधा बढ़ते हैं हम यहाँ पे फाइट अपने को तो कहीं दिखाई नहीं दे रही सारी टीम जोन की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है जोन अभी पोचिंग की में है तो पोचिंग की वाले को तो कोई टेंशन नहीं है और यहाँ पे टीम नंबर सेवन यहाँ पे पोचिंग की में आ चुकी है टीम नंबर सेवन अगर पोचिंग की में फिर से फाइट लेती है और टीम नंबर वन के बहुत डैमेज बंदे पर उन्होंने काफ़ी अच्छे किल निकाल चुके हैं और ये भी बंदे यहाँ पे खत्म हो सकते हैं सिर्फ तीन बंदे यहाँ पे आ रहे हैं टीम नंबर सेवन के और यहाँ पे ये स्कॉड हाउस में रुक चुके हैं टीम नंबर वन के बंदे तो देखने को मिलेगा यहाँ पे अपने को और एक फ़ाइट अगर ये फाइट होती है तो टीम नंबर वन की चांदी चांदी अगर ये क्लश निकलता है तो बहुत अच्छे किल के साथ बहुत अच्छे पॉइंट के साथ ये आगे निकल जाएंगे एक्सपायर्ड गेमिंग ओ और यहाँ पे टीम नंबर वन अभी भी लूट करना उनका बाकी है और काफ़ी लूट उनका ख़त्म हो चुका है तो लूट करना बहुत बेहतरीन और सेवन नंबर की टीम ये बहुत दूर से लूट करके आई है थर्ड लेवल के हेलमेट वेस्ट के साथ ये लोग आए हैं तो इनको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है यहाँ पे सेवन नंबर का टीम अगर पोचिंग की के राजा को अगर मारते हैं तो एक टीम नंबर वन काफ़ी देर से राज कर रही है पोचिंग की पे अगर ये टीम एक दूसरे से फाइट और यश नाया की और यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉप लूटेंगे यहाँ पे ड्रॉप गिर चुका है इधर मल्टिया पावर की ओर तो ड्रॉप तो लूटने दो ड्रॉप लूटने वाले को हम तो फाइट देखेंगे ड्रॉप की गन हो या एम फोर सिक्सटीन हो अगले वाले को तो मरना ही पड़ता है और यहाँ पे टी का काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है सामने की ओर बंदे पीछे की ओर यहाँ पे ग्रेनाइट का प्रदर्शन देखने को मिलेगा बहुत सारे ग्रेनाइट यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डाले जाएंगे और टीम नंबर सेवन ने बहुत अच्छा ग्रेनाइट कुक कर दिया है और यहाँ पे टीम नंबर वन एक प्रिंस वाई इन्होंने काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन और ये नॉक हो चुके हैं और भाई इनका जो बंदा है उनका जो बैकअप है वो बैकअप बोले तो भाई क्या ही बोलने का उस बैकअप को और इनके दो बंदे यहाँ पे नॉक कर दिए भाई पोचिंग की में आके तुमने बहुत गलती कर दिया पोचिंग की के राजा माने जाते टीम नंबर वन बहुत देर से अपना राज बना के यहाँ पे टिके हुए और तुम यहाँ पे रश कर रहे हो ये कैसा हो सकता है और यहाँ पे टीम नंबर सेवन अकेला बंदा क्या है अकेला बंदा और एक बंदे को खा सकता है इसके पास एक ही चारा है कि ये स्कॉट को तोड़ना है तो एक एक बंदे को पूरा पूरा खाना पड़ेगा अगर ये देखो अपोजिट में बंदा है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ग्रेनाइट की बरसात हो सकती है बहुत अच्छे बहुत अच्छे ग्रेनाइट और ये गलत घर में ग्रेनाइट कर दिया है वन नंबर के टीम ने तो बंदा इधर है इसको फुटप्रिंट का आवाज़ नहीं आ रहा है कि क्या आ रहा पता नहीं बट बहुत ही बेहतरीन बंदा नीचे उतर चुका भैत्रीं। है भैत्रीं। बंदा कल्टी मार रहा है यहाँ से ओ भाई बंदा तो यहाँ से इसका पूरा टाइटा फीस हो गया और बंदा बोल रहा है कि भाई इनसे पंगे लेना बेकार है मेरे दो बंदे खाली है इसने और इसकी टाइटा फीस हो चुकी है सीधा स्कॉड हाउस में जाके बैठ चुका है सीधा पोचिंगी में अपनी गाड़ी लेके सीधा रप्पू टप्पू होने की यहाँ पे इसका ये अपने पॉइंट्स टेबल यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बचा रखेगा और टाटा बाय बाय सी यू की के बंदे के साथ कभी फाइट मत लेना भाई आज के बाद सेवन नंबर <laughs> ये कभी आज के बाद पोचिंग की अपने टीम को लेके नहीं आएगा इसको दौड़ा दौड़ा के मारा गया है यहाँ से ओ भाई साहब क्या टीम है एक नंबर बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे देखने मिला टीम नंबर वन की तरफ से हमको और यहाँ पे सीधा ड्रॉप उतरा है और ड्रॉप की तरफ हम बढ़ते हैं सीधा टीम नंबर सिक्स की तरफ टीम नंबर सिक्स के चारों बंदे है और ये चार बंदे के यहाँ ड्रॉप की लूट के साथ यहाँ पे अपने को देखने मिलेगा और इनके पास एम टू फोर ग्रेनाइट थर्ड लेवल का हेलमेट वेट सारा कुछ इनके पास है और मल्टिया पावर बोले तो भाई सारा लूट का खजाना यहीं पर भरा होता है तो इनके पास काफ़ी अच्छा प्रदर्शन और काफ़ी दूर का स्प्रे मारा और इनकी स्नाइपिंग देखने को मिलेगा अपने को और ये गाड़ी में बैठ बैठ के ही मारेंगे हम बाहर नहीं निकलेंगे और सीधा रश करेंगे पे ड्रॉप में अगर ड्रॉप पे टीम नंबर ट्वेंटी के साथ फाइट होता है तो बहुत अच्छी बात होगी हम ना दो दो ड्रॉप गिरे हुए हैं और इन्होंने शायद ड्रॉप सारे के सारे लूट लिया है भाई था तो ओपन होते लूटते रहे सगड़ा और यहाँ पे ड्रॉप पूरी तरीके से लूटेड हो चुके हैं ठीक है ड्रॉप को दोनों तीनों तरफ से लूटा गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइस जिन्होंने भी लाइक का बटन नहीं दबाया मज़ा आ रही होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना बोले ठोकना है क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर्स तुम्हारे भाई के कंप्लीट होने वाले ओनली 50 सब्सक्राइबर्स लग रहे तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोकने का नहीं भूलने का है चलो चलोगाई हम बढ़ते यश नायब पोलिया की तरफ यश नाया में यहाँ पे दो टीम है बहुत देर से सरवाइव कर रही है और यश नाया ये बहुत बड़ा एरिया होता है इसलिए यहाँ पे फाइट भी बहुत कम होती है यानी ऐसा बहुत कम एक आध बार फुटप्रिंट वगैरह आ गई तो फाइट हो जाएगा और ये तो यहाँ से निकलने की और ये निकलते निकलते अगर एक दो गोलियाँ खा लेते हैं तो यहाँ पर फाइट फिर से हो सकती है देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन ग्यारह नंबर के टीम की तरफ से निखिल भाई यहाँ पे पूरा टेरेस पे जाके बैठे और टीम नंबर दो यहाँ से निकलने के इस पर चलो और यहाँ पे पोचिंग की भी अभी जोन के बाहर है कोचिंग की के बंदे को बाहर अंदर जाना बहुत जरूरी है इनके कील काफ़ी अच्छे निकल चुके हैं और ओ माय गॉड यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा स्प्रे मार चुके हैं टीम नंबर टू का एक बंदा जो है वो नॉकआउट हो चुका है टीम नंबर ग्यारह और काफी अच्छा ग्रेनाइट का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या इनका बंदा यहाँ पे बच सकता है कि यहाँ पे खिल होएगा इनका बंदा देखने को मिलेगा ओ भाई साहब दोनों का वन वन एच पी यहाँ पे और पीछे से बैकअप मिल रहा है दोनों को काफी बेहतरीन इधर के दोनों टीम क्या कर रहे हो तुम जल्दी से बैकअप दो अपने टीम मेट्स को और इनका जीरो जीरो एच पी क्या ओ भाई साहब क्या अच्छा परफॉर्मेंस निखिल भाई को यहाँ पे गोली चिपकाती हुई दूर का बंदा काफी अच्छा इन्होंने कवर दे दिया है ये पूरा का पूरा यहाँ पे बिल्डिंग में घुस चुके हैं और बिल्डिंग में अगर ये घुस के अगर मारते तो घुस कर मारने वाले को कहते हैं बाजीगर तो यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस वन वी वन देखने को मिलेगा आपको टीटीपी का प्रदर्शन यहाँ पे और यहाँ पे भाई साहब तेरा तो मरना फिक्स तारे तू टीटीपी वाले से खुजा लिया और भाई ओ भाई बंदे के सामने यहाँ पे साहब इसको भगवान का क्या बोलते एक यानी इसका वन एच पी यहाँ पे वन भी एच पी नहीं बोल सकते शून्य एच पी पे इसको जीवन दान मिला है बंदे के सामने गन रिलोड कर रहा था और यहाँ पे रश हो चुका है टीम नंबर इलेवन ने रश कर चुके हैं यहाँ पे और नहीं सॉरी टीम नंबर इलेवन तो यहाँ पे होल्ड कर रही थी टीम नंबर टू यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रश कर चुकी है अगर टीम नंबर टू घुसकर कर अगर दो बंदों को मारती है तो एक बंदा तो बहुत दूर है ठीक है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस टीम नंबर इलेवन की तरफ से दो ही बंदे हैं, ज़्यादा कोई नहीं है नहीं एक बंदा तो बहुत दूर है ये भी थ्री थ्री वर्सेज थ्री देखने को मिलेगा दोनों बंदे दूर दूर अगर ये अपने बंदे को कौन बचाता है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बहुत जल्द और और यहाँ पे टीम नंबर इलेवन वर्सेस टीम नंबर टू टीम नंबर इलेवन वर्सेस टीम नंबर टू ग्यारह दो ग्यारह दो ग्यारह दो और यहाँ पे टीम नंबर और यहाँ पे रोज़ो स्कूल में भी यहाँ पे फाइट देखने को मिला अभी जस्ट फायरिंग हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे टीम नंबर वन आ भाई अपार्टमेंट बोले तो अपार्टमेंट के राजा होते भाई साहब इधर तो सारे के सारे और यहाँ पे अपार्टमेंट के सारे बंदों के साथ यहाँ पे इन्होंने एक एक पेड़ पकड़ ली है शायद इनको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है इनने बहुत गलत डिसीजन लिए क्योंकि यहाँ से बच के जाना बहुत ही मुश्किल है काफी अच्छा है एक्सपीरियंस के साथ हमारा फेवरेट प्लेस अपार्टमेंट होता है तो चलो यहाँ पे काफी अच्छे काफी अच्छे बेहतरीन बेहतरीन गाइस 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 जल्दी, जल्दी जल्दी मारो रे यहाँ से तो निकलना मुश्किल है गाइस इनको एक तो नॉक नहीं तो इनको आगे वाले को मारना पड़ेगा और ऊपर से चार बंदे हैं वो चारों बंदे इधर उधर से स्प्रे मारेंगे और ओ भाई साहब काफी अच्छा यहाँ पे स्प्रे देखने को मिला दोनों बंदों का टेन टेन एचपी यहाँ पे बच चुका है और इनको अपना भाई साहब बहुत गलत डिसीजन ये हो सकता है टीम नंबर वन के लिए टीम नंबर सोलह अपना फायदा उठाते हुए तो पर ये स्प्रे क्यों नहीं मार रहे मार दे रहे भाई मार दे अपार्टमेंट के राजा बोला मजा आ गई वो है। भाई साहब और यहाँ पे शायद सब इधर यश लिपो का मैंने नहीं यश इधर टीम फाइट कर रही है अभी भी ओके 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 ठीक है ठीक है इनका भी फाइट देखते हैं उधर भी फाइट देखने का अपन कोशिश करते हैं और इनका कितना बंदा बचा हुआ है अभी ओ भाई इनके सारे तीन के तीन वो बोल रहे हैं कि हम नीचे नहीं जाएंगे ये बोल रहे हैं कि हम ऊपर नहीं आएंगे ओ भाई ये होता है असली गेम प्ले और यहाँ पे हम फिर से बढ़ते हैं इनका क्या होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है यहाँ पे अगर ये एक नंबर की टीम यहाँ पे कल्टी मार सकती है उतने जल्दी कल्टी मार ले नहीं तो यहाँ पे तुम्हारा पेटी गेम प्ले हो सकता है अगर एक नंबर की टीम ब्लैंक वगैरह करके कहीं से भी अपार्टमेंट में अगर अपने जोन की तरफ़ बढ़ते तो काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि जोन चालू होने को सिर्फ डेढ़ मिनट बाकी है वन मिनट्स यहाँ पे बाकी है तो जल्दी से जोन की तरफ़ बढ़ना बहुत ज़रूरी है और इन्होंने बैकअप ले चुके हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पे ले लिया है क्योंकि वहाँ से मुश्किल है वहाँ से जाना और ये वहाँ से निकल गए हैं ये बहुत बड़ी बात है टीम नंबर सिक्सटीन आपने यहाँ पे बहुत बड़ा चांस गवा चुके हैं काफ़ी प्रो प्रो प्लेयर्स को अपने यहाँ से ज़िंदा जाने ये आखिरी में आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा भारी तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा क्या हो सकता है भाइयों टीम नंबर सोलह को ये बहुत भारी पड़ेगा जो टीम नंबर वन यहाँ से ज़िंदा निकला है की के पूरा की को पूरा खाली करके यहाँ से निकले हुए थे और आपको भी मारने आए थे पर यहाँ से तुमने उनको जिंदा जाने दिया ये गलत बात हो गई और हो सके तो यहाँ पे किल कर सकते थे आप लोग चलो कोई बात नहीं होता है देखते आगे क्या होता है टीम नंबर वन कब तक जिंदा रहती है और टीम नंबर थर्टीन कब तक जिंदा रहती है अभी तो फिलहाल फाइट किसी का होगा नहीं ओ भाई जोन की बाहर फाइट हो रहा है इधर टीम नंबर इलेवन अभी भी फाइट कर रहा है यश नाया में अभी तक फाइट खत्म नहीं हुआ है ओके नाइस गेम प्ले इनका एक बंदा खा चुके टीम नंबर इलेवन का और इन्होंने टीम नंबर टू का एक बंदा अभी भी लाइव है ओ मा गो टू क्या यहाँ पे टीम नंबर इलेवन मार पाएंगे और यहाँ पे काफ़ी अच्छा टीटीबी का प्रदर्शन दिखाते हुए पर वो बंदे ने फायदा उठा सकता था ऊपर होने का पर कुछ भी काम का नहीं है उसने खाली पीली एक बंदे को खा डाला इनका स्क्ॉट का एक बंदे को कम करके एक स्क्वाड की पावर कम कर दिया और कुछ नहीं किया वो टीम नंबर टू ने तो आगे बढ़ते हैं हम मंजिल की ओर यहाँ पे ड्रॉप गिर चुका है ड्रॉप को अपन देखते हैं ड्रॉप में क्या है और ड्रॉप को ग्रोजा भाई साहब गिली सूट हेलमेट वेस्ट फोर एक्स का स्कोप विथ थर्ड लेवल का बैकपैक सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपने को बहुत ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे चलो गाइस आगे देखने मिलेगा अपने को अनुराग दादा वेलकम अबे कौन आ गए सारे के सारे सेंटर में आ रहे शेल्टर में सारे लोग होल्ड करेंगे और काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना जोन में जा रहे हैं और यहाँ पे हम सीधा स्पेक्टेट करेंगे ओ भाई टीम नंबर सिक्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पे शेल्टर में अपना होल्ड बना चुकी है टीम नंबर सोलह उधर से आ रही है और इधर उधर सारा ड्रॉप ही ड्रॉप अपना अपने टीम के साथ सारे अपने टीम वर्क के साथ अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइस जिन्होंने भी लाइक का बटन नहीं दबाया वो लाइक कर दो जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो कमान लेट्स गो अपने अपने दोस्तों को शेयर करो और कस्टम रूम के मजे लो गाय यहाँ पे टीम नंबर सिक्स वर्सेस टीम नंबर सोलह सोलह छः सोलह छः सोलह छः यहाँ पे आ रहे हैं धीरे 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 शेल्टर की ओर शेल्टर में तो फिलहाल कोई नहीं है और सेंटर बन सकता है सेल्टर का गुफा अगर शेल्टर का गुफा अगर सेंटर बनता है तो काफ़ी मज़ा आ सकती है भाई लोग और 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 यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर से यहाँ पे वन नंबर टीम सोलह नंबर टीम के साथ फाइट करेगी यहाँ पर ये टीम अगर भारी पड़ती है तो इनको बहुत सारा नुकसान यहाँ पे ओ भाई ग्रेनाइट का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे ग्रेनाइट का बहुत नुकसान हो गया एक नंबर के टीम को ओ भाई मौली के साथ यहाँ पे ख़त्म भी हो गया है बंदा बहुत बेहतरीन ओ ओ ओ ओ भाई ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, साहब, ओ काफी अच्छे काफी अच्छे काफी अच्छे काफी अच्छे, काफी अच्छे, अच्छे, एक ही बंदा अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है ओ भाई साहब इसने तो भाई टीम नंबर सोलह के दो बंदों को खा चुका है और यहाँ पे दूसरा बंदा किधर जा रहे हो भाई साहब तुम यहाँ पे पूरा स्क्वाड वाइप हो चुका है टीम नंबर 16 को यहां पे पूरे तरीके से खत्म कर चुका है सुझ 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 मैं बोल रहा था कि पीछे पे रिवाइव दे रहे अरे रे तो। रे ऑल पे माइक मत रखो गाइस ऑल पे माइक रखो और यहां पे टीम नंबर 20 का फाइट देखते हम सीधा बढ़ते हुए टीम नंबर वन आखिर भारी पड़ चुकी जो हम बोल रहे थे वो ही हुआ चलो गाइस यहां पे टीम नंबर थ्री का एक प्लेयर को खा दिए ओ ओ ओ नाइस गेम प्ले ओह बहुत ही अच्छे कर, तीन है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे और यहाँ पे बहुत अच्छा कॉल देते हुए टीम नंबर ट्वेंटी का एक ही बंदा बचा हुआ है क्या ये बंदा वन वी, वन वी वन यहाँ वन वी फोर करके कहा वन फोर देखने को मिल सकता, सकता है वन फोर भाई स्मोक करके क्या तू कहीं से भी नहीं, नहीं निकल नहीं सकता नहीं है कहीं से नहीं निकल सकता है तू कहीं से नहीं निकल सकता है तू कितना भी कोशिश कर लो कुछ भी कर लो और ग्रेनाइट का यहाँ पे काफी अच्छा अपने को यहाँ पे देखने मिल सकता था और यहाँ पे टी टी पी टी टी पी बोलते मौली भी आ गई है काफी अच्छे और यहाँ पे रश कर देना था इसने टीम नंबर थ्री बहुत डर रही है हमारा एक प्लेयर भी खत्म नहीं होना चाहिए और यहाँ से पीछे से नंबर का आया टीम पे थर्ड पार्टी करते हुए ओ भाई साहब टीम नंबर ट्वेंटी को यहाँ से जाना पड़ेगा अपना एरेंगल मैप के लॉबी में तो सीधा सर आप नेक्स्ट मैच में मिली हमको और यहाँ पे काफ़ी अच्छा टैप टैप का प्रदर्शन देखने को मिला अपने को टीम नंबर सिक्स वर्सेस टीम नंबर थ्री हमारा टच थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है क्या बात है ठंडी लग रही है हमारे मोबाइल को टीम नंबर सिक्स वर्सेस टीम नंबर थ्री टीम नंबर सिक्स वर्सेस टीम नंबर थ्री ओ भाई टीम नंबर वन का बंदा यहाँ पे होल्ड कर रहा है क्या ये चिकन डिनर निकालेगा यहाँ पे और सारे लोग अपना और जोन की तरफ बढ़ रहा है सारों को जोन पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लास्ट वाला जोन सेकंड लास्ट जोन है और सेकंड लास्ट जोन काफ़ी अच्छा डैमेज देता है तो जोन में जाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे हमको पूरे मैप में टीम नंबर सिक्स यहाँ पे निकल चुके हैं दो बंदे यहाँ पे बस फाइट कर रहे हैं और टीम नंबर थ्री ओ भाई साहब वन नंबर का बंदा क्या कर रहा है ये भाई साहब इसका तो अलग ही जलवे चल रहे हैं भाई भाई इन्होंने एक बंदे को नॉक करके जो नुकसानी पहुंचा इनको और पूरा किल कर चुके है वो बहुत भारी पड़ेगा इसको भाई क्या खेला है रे रोहन भाई आई लाइक इट ओ भाई रोहन भाई ने आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस हम रोहन भाई को देखना चाहेंगे अगर रोहन भाई के ऊपर ये रश करते हैं भाई 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 मजा आ गई रे कस्टम रूम में टीम नंबर सिक्स बट लो चुपचाप टीम नंबर सिक्स वर्सेस टीम नंबर और यहाँ पे अपने को फाइट देखने को मिल रहा है टीम नंबर किधर गया थ्री हाँ ये थ्री और इनका एक बंदा और नॉक हो चुका है किंग के साथ फाइट कर रहे हैं हम देखेंगे ओह भाई साहब ये तो छोटा सा घर होता है और छोटे से घर में तो मरना मुश्किल नहीं और टीम नंबर वन का यहाँ पे झोन की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है टीम नंबर वन को अगर जीवित रहना है तो झोन की ओर बढ़ो सबसे पहले झोन झोन को पकड़ो टीम नंबर थ्री टीम नंबर सिक्स और टीम नंबर वन यही तीन स्क्वाड बाकी है अलाइव सिर्फ तीन आठ बंदे हैं और टीम तीन टीम यहाँ पे जिंदा दिखाई दे रही है हमको और पूरा स्क्वाड लेके टीम ओ भाई साहब ये भाई मुझे रोहन भाई कुछ ज्यादा ही प्रो प्लेयर लग रहे हैं और रोहन भाई को हम सीधा एक्सपेक्टेड करेंगे बहुत अच्छा एंगल ले लेके मार रही है 6X का स्प्रे भी 16। बंदे ने सात किल यहाँ पे निकाल लिए एक एरेंगल एंगल मैप में वो भी कस्टम रूम में सात किल निकालना बोले तो एक प्रो प्लेयर की निशानी होती है ये पढ़ाई के साथ साथ गेम को भी काफी अच्छा फोकस करता है इसका मतलब साहब चलो देखने को मिलेगा अपने को टीम नंबर वन का यहाँ पे परफॉर्मेंस टीम नंबर सिक्स यहाँ पे अगर ये दो टीम लड़ती है उसके बीच में टीम नंबर वन अगर थर्ड पार्टी करता है तो यहाँ पे इसको चिकन डिनर मिल सकता है और आखिर मैंने जैसा बोला था वैसा ही हुआ और यहाँ पे जोन की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पे टीम नंबर थ्री को देखना बहुत जरूरी है ओ भाई टीम नंबर थ्री का एक बस बचा हुआ है और ये भी खत्म हो गया टीम नंबर सिक्स ने यहाँ पे इनका ख़त्म कर चुके सारे बंदों को और आगे में बस चार ही बंदे अलाए ओ, ओ भाई ओ भाई ओ भाई टीम नंबर सिक्स का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे पूरे टीम के साथ आखिरी जोन तक जीवित रहना ये बहुत बड़ी बात है बस एक बंदा एक नंबर टीम का यहाँ पे बहुत अच्छा स्टार्टिंग से परफॉर्मेंस देखने को मिला अपने को और इन्होंने यहाँ पे एक नॉक अगर निकालते हैं एम वन सिक्स ए फोर का टैप टैप के साथ इनका पूरा खत्म हो चुका है फोर्टी थ्री बंदे देख रहे हो आप लोग सभी लोग मजे ले रहे हो यहाँ पे कस्टम रूम के तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है यहाँ पे वन नंबर का टीम यहाँ पे जीत चुका है और यहाँ पे चिकन डिनर मार चुका है चिकन डिनर मारते मारते रह रो गया रोहन रोहन भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सात किल के साथ और सात किल बोले तो भाई अक्के टेबल में यानी पूरे मै अक्खे प्लेयर्स में पूरे जितने भी स्क्वाड है अक्खे स्क्वाड में एक भी सात किल लेके कोई बंदा बैठा नहीं है और यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रोहन भाई की तरफ से देखने को मिला है इन्होंने चार किल निकाल के अपने टीम को जीवी जीवंत किया है चलो रुको दो सेकेंड गाइस सेकंड मैच जो है जितने भी बंदे देख रहे हो चालीस बंदे और जितने भी कॉलेज के ग्रुप पे अभी भी जो आपके फ्रेंड ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं ठीक है इवेंट के मजे लो सभी लोग लो ठीक है तो सबको शेयर करो अपनी लिंक और आईडी पासवर्ड आपको कॉलेज के ग्रुप पे ही मिलेगा अगर आईडी पासवर्ड जिसको नहीं मिलता है वो मुझे आ, चैट कर सकता है उसको पर्सनली मैं आईडी पासवर्ड दे दूंगा ठीक है पर अपने बंदों के लिए नहीं है ये कॉलेज का एक छोटा सा इवेंट है और ये इवेंट के वजह आपको 10 मिनट में और देखने को मिलेगा जितने भी बंदे देख रहे हो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मैं जस्ट पाँच मिनट के आपको आई पासवर्ड दे रहा हूँ और अगले पाँच मिनट में टीम यानी गेम स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और जल्दी जल्दी आईडी पासवर्ड ले लो जिनको आईडी पासवर्ड नहीं मिला होगा सुनो हाँ चलो मिलते गाइस तब तक के गाना सुनो आप लोग ओ मा गुरु

Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, No, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways shadow turns the sun around. चलो गाइस वेलकम स्वागत है सभी का सेकंड कस्टम रूम में और हम यहाँ पे सेकंड कस्टम रूम चालू करने जा रहे हैं 39 बंदों ने यहाँ पे ज्वाइन कर चुके काफी अच्छे बेहतरीन परफॉर्मेंस क्या बात है लेट्स विन तन्वी वेलकम वेलकम ऑल द बेस्ट गाइस ऑल द बेस्ट सभी को ऑल द बेस्ट जल्दी से जल्दी चिकन डिनर मारना और यहाँ विनर होना है अगर जल्दी से जल्दी खेलते होते आई आईडी पासवर्ड क्षिति कितीज बाबा हे कॉलेज ऐसी इवेंट है कॉलेज ऐसी इवेंट मधे आई डी पासवर्ड आम कॉलेज ऑफ ग्रुप मधे आ है। अगर आप कॉलेज के फ्रेंड्स नहीं होगे तो फिर वो चलो गाइस थर्टी नाइन यहाँ पे ज्वाइन हो चुके ठीक है चलो चालू करते गाइस ऑन लेट्स गो वन टू एंड थ्री लेट्स गो हाँ न चलो मैच चालू हो चुका है चालू कर भाई हाँ चालू कर दिया भाई चलो हमारा लॉबी क्या बात है प्लीज चीटिंग मत करना कोई भी जो भी चीटर होगा वो अभी भी बाहर निकल जाओ नहीं तो आपको काफी भारी पड़ सकता है जो भी जीटिंग करता है चलो यहाँ पे खचाखच भरी हुई लॉबी यहाँ पे देखने को मिल रही है आप सभी को ना ना सगड़े का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन क्या बात है सोलह टीम यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है हमारे साथ गाई जल्दी से जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो कॉमन लेट्स गो और यहां पे प्लेन हमारा निकल चुका है लिपो का होते हुए मल्टिया और सीधा जाएगा मिलिट्री बेस काफ़ी छोटा रूटिंग है प्लेन वाले को कम टिकट दिया गया था इसलिए प्लेन सीधा शॉर्टकट रास्ता लेते हुए चल रहा है और बंदे यहाँ पे जम कर चुके हैं लिपो का में काफ़ी अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है हमको और प्लेन तो निकल चुका है लेकिन बंदे तो प्लेन के रूटिंग में कभी नहीं जम करते ये बात तो आप सभी को मालूम है Come on, come on, लेट्स गो विन दिस गाइस ये गेम कौन जीतता है देखने को मिलेगा आपको बहुत जल्दी चलो यहाँ पे बंदे ओपन में जम कर चुके हैं यश नायब यश नया में एट नंबर की टीम ग्यारह नंबर की टीम सेवन नंबर की टीम फाइव नंबर की टीम भाई यश नया तो ये पूरा यहाँ पे शादी का माहौल बन चुका है इतने बंदों में तो पूरी शादी हो जाएगी रे क्या बात है यहाँ पे एक दो तीन चार चार टीम यहाँ पे जम कर चुकी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से और यहाँ पे स्प्रे भी देना चालू कर दिया है ओ भाई इधर भी टीम नहीं, नहीं नहीं इनका ही बंदा है पांच आठ ग्यारह सात यश नया स्कूल की तरफ भी बंदे कूदे और पोचिंग की में भी बंदे कूदे हुए पेरी पेयर में भी बंदे कूदे और इधर बंदे लैंड कर रहे हैं प्रीमॉस देखो बंदे पूरे स्ट्रेट में इधर उधर कहीं नहीं पूरे एंगल एरेंगल एंगल मैप में बंदे पूरे स्ट्रेट में यानी ये क्या बोलते इसका रूटिंग था ये लिपो का होते हुए और बंदे यहाँ पे पहुँचे यानी बंदों का दिमाग देखिए <laughs> क्या ही बोलने का कोई नोवो नहीं गया कोई मिलिट्री बेस नहीं गया चलो गाइस पोचिंग की के तरफ फ़िलहाल अभी फाइट तो देखते हैं हो रही है क्या ये काफ़ी दूर है अभी तो लूट लाट करेंगे ये लोग ठीक है यस नाया में चार चार टीम है भैया यहाँ तो पूरा मसाला ही मसाला है चलो और टीम नंबर इलेवन यहाँ पे लड़ चुके हैं टीम नंबर इलेवन को देखना हम पसंद करेंगे टीम नंबर इलेवन यहाँ से कल्टी मार रही है बहुत अच्छे टीम नंबर इलेवन ने यहाँ से कल्टी मार लिए और निकल चुके हैं सीधा अपना पॉइंट्स टेबल बनाने के लिए और सेवन नंबर फाइव नंबर एट नंबर ये अभी भी यश नया में है तो सेवन नंबर के टीम को हम देखेंगे वो मेरा ये क्यों नहीं आ रहा है ओके 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 ये सेवन नंबर का टीम नाइस गेम प्ले फाइव नंबर का टीम एट नंबर का टीम तीनों टीम दूर दूर कोई एक दूसरे से चलो नाइस गेम प्ले नाइस गेम प्ले नाइन नंबर का टीम पोचिंग की लूट रहा है काफी अच्छी तरीके से और नाइन नंबर का टीम यहाँ पे अगर टी... ओ भाई टीम नंबर वन फिर से पोचिंग में ये तो पोचिंग के राजा है भाई साहब और पोचिंग की में इनको मारना मुमकिन नहीं मुमकिन है कैसा है वो डायलॉग? मुमकिन ही नहीं मुमकिन है हाँ ये सही है वन नंबर वर्सेस नाइन नंबर नाइन नंबर वर्सेस वन नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा पोचिंग की में फाइट आपको काफी अच्छे तरीके से और वन नंबर की टीम यहाँ पे इधर उधर बिछड़ चुकी है क्या कर रहे हो ये आप और नाइन नंबर यहाँ पे काफ़ी अच्छे एक ही रूम में चारों के चार बंदे होल्ड करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे अपना और टीम वर्क बहुत जरूरी होता है स्क्वाड जो होता है उसमें टीम वर्क होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़्यादा काय है सर कहो चलो गाइस फाइट देखने को मिलेगा टी का प्रदर्शन यहाँ पे बाकी कई फाइट नहीं हो रहा है यश नाई में तीन तीन टीम है टीम नंबर वन वर्स टीम नंबर नाइन टीम नंबर नाइन वर्स टीम नंबर वन पोचिंग की के राजा माने जाते हैं भाई साहब टीम नंबर वन और यहाँ पे ग्रेनाइट कुक होना चालू हो चुका है ग्रेनाइट बहुत अच्छा था मुझे तो लगा काफ़ी नुकसानी हो सकती है इनको पर एक का भी एच कम ज़्यादा नहीं हुआ है यहाँ पे और बंदे लोग रश करेंगे काफी अच्छा परफॉर्मेंस चारों ने चार पोजीशन ले चुके हैं इनका तो एक ही एंगल बन रहा है उनका चार चार एंगल बन रहा है बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है यहाँ पे टीम नंबर वन की तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपने को देखने को मिल रहा है क्या बात है क्या चीज है पैसा ओ बाय ओ बाय ओ बाय और यहाँ पे टीम नंबर नाइन वर्सेस टीम नंबर वन ये काफ़ी टाइम पास कर रही है रे इस बार इनको तो घुसना पड़ेगा इस बार तो पर घुसने का कोई चांस नहीं है क्योंकि अगर ये घुसते हैं तो बहुत दोनों को नुकसानी हो सकती है अगर ये घुसे तो उनको ही अगर वो घुसे तो इनके ही चारों तरफ एंगल बना के खेल रहे बंदे लोग काफ़ी अच्छे मिनी फोटिंग का काफ़ी अच्छा डैमेज बहुत ही अच्छे हम जाते इधर जो पुल बोले तो कंटेनर कंटेनर बोले तो एक प्रो प्लेयर की निशानी और प्रो प्लेयर की निशानी बोले तो कुछ और ही और यहाँ पे निखिल भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई निखिल भाई को ख़त्म कर दिया है, है। टीम नंबर टू को यहाँ पे खत्म कर टीम नंबर टू ने यहाँ पे एक स्कॉट को खत्म कर चुके हैं क्या बात है बाय बाय टाटा सी ओ भाई मेरे को दिख ही नहीं रहा है ये बाकी के टीम क्यों नहीं दिख रहे ओए चलो इधर फाइट देखते हैं अपन फिर से दोबारा एक बार पोचिंग की की तरफ फिर से बढ़ चुके हैं जोर खत्म हो चुका है और अरे नीचे हो ना मेरा एंगल ड्रोन कैसा ड्रोन को पैसे वाले ड्रोन को पैसा नहीं दिया करे बाबा ड्रोन काम नहीं कर रहा अरे यार इनको अनाउंसमेंट पे बताना था कि ऑल पे माइक बंद रखे करके ऑल पे माइक रखते हैं कोचिंग की फाइट किधर हो रहा है रे एक नंबर एक नंबर कर रहा है चढ़े प्रदीप पे चढ़े मार इसको भी मार अबे मार किसको मार रहे रे लोग क्यों चिल्ला रहे हो रे खाली पीली हाँ यश नया यस नया यश नया चलो यस ना यस नया में चार चार टीम में से दो टीम तो भाग चुकी थी ओ भाई टीम नंबर एट यश नया खाली कर दिया नहीं 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 टीम नंबर सेवन टीम नंबर सेवन टीम नंबर सेवन की तरफ जल्दी चलो ओ भाई यहाँ पे सर्प मित्र वाला गेम हो रहा है ना एक को तो हम खाएंगे और एक को खाने के बाद यहाँ पे इसने काफी अच्छा एक बंदे को खा लेना स्कॉट का एक क्या बोलते उसको कॉन्फिडेंस कम कर देना होता है भाई साहब और इन्होंने यहाँ पे एक बंदे को खा के इनका एक स्कॉट का एक मेंबर को ख़त्म कर चुके हैं लॉबी के दर्शन दिला चुके हैं टीम नंबर फाइव बहुत अच्छे यहाँ पे यश नायक को खाली करते हुए टीम यहाँ पे चार टीम लैंड कर चुकी थी उसमें से पाँच नंबर की बस टीम यहाँ पे अपना राज बना के चुकी है अगर ये टीम लास्ट तक पहुंचती है तो ये कुछ जलवा दिखा सकती है पर एक टीम मरने के कारण बहुत नुकसानी हो सकती है भाई साहब मुझे फाइट का निशाना क्यों नहीं आ रहा है ऐसा रेड रेड आना चाहिए ना फाइट हो रहा है जहाँ पे ये जोर पुल वाले बंदे फिर से कंटेनर की ओर बढ़ रहे हैं निखिल भाई आकाश भाई नेट अच्छा नहीं है लैग हो रहा है ओके ओके नेट अच्छा नहीं है क्या देखना पड़ेगा उसका अपलोड स्पीड का लैग नहीं हो रहा रे, वो स्पेक्टेड करते ना अपन तो स्पेक्टेड होता है चलो गाइस यहाँ पे अपने को ओ भाई टीम नंबर वन का एक बंदा यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है ओ भाई साहब क्या देखने को मिल रहा है हमको टीम नंबर वन तो लास्ट टाइम राज कर रही थी कोचिंग की में भाई साहब ओ भाई ओ भाई ओ भाई टीम नंबर नाइन का ये बंदा क्या कर रहा है ये पीछे से तो बैकअप दे सकता था ओ भाई काफ़ी अच्छे तरीके से स्मोक डाल के अपने बंदे को बचाया गया है यहाँ पे ओपन में पूरे अपने बंदे को बचाया गया है टीम नंबर नाइन का एक प्लेयर इधर ऑफलाइन है शायद काफ़ी अच्छा इसको बैकअप में ये मिल सकता था पर इसने क्या किया दो बंदों का खिल तूने मिस किया है नल्ले ए, सुन ले मेरी बात और खुद ने डैमेज भी ले लिया ले अब तू तु। तूने तो यहाँ पे चांस मिस कर दिया इसको पैसा खिलाया करों इन्होंने इसने मारा नहीं ओका द प्रिंस चलो 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 नाइस परफॉर्मेंस भाई टीम नंबर नाइन जो है बहुत अच्छा अपना एंगल बना के खेल रही है पर टीम नंबर नाइन के जो बंदे काफ़ी दूर दूर से एंगल बना रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है एक तो भाई वो सैक में एक वो सैक में दो इधर और पर बंदों को नॉक किया जा रहा है इधर बहुत अच्छे बहुत अच्छे और कई फाइट तो नहीं दिखाई दे रही है सब लोग अपने जोन में आ रहे हैं सेकंड जोन फर्स्ट जोन चालू हो के कंप्लीट भी हो चुका है भाई एक ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ भाई। टीम नंबर वन का एक प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है टीम नंबर नाइन का भी एक प्लेयर नॉकआउट है दोनों एक एक प्लेयर नॉकआउट है यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए टीम नंबर नाइन के प्लेयर और टीम नंबर नाइन के प्लेयर अगर इनको मार देते हैं टीम नंबर वन को तो पोचिंग की पे राज करने वाले जो बंदे उनका यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं अगर टीम नंबर नाइन आपका परफॉर्मेंस दिखाती है तो कुछ ना कुछ हो सकता है टीम नंबर नाइन का एक प्लेयर इधर एक प्लेयर उधर तीन प्लेयर इधर चलो ये अगर किल निकालते हैं तो काफ़ी अच्छा हो सकता है यहाँ पे भाई एक बंदे को घुस घुस के मारने वाले बंदे इतना होल्ड क्यों कर रहे हैं ओ भाई उधर से टीम नंबर एट भी आ गई है की में अब तो भाई राड़ा होने वाला है की में टीम नंबर नाइन टीम नंबर एट वर्सेस टीम नंबर वन और हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है ड्रॉप लूटा जा रहा है जोर जो पुल में बंदे होल्ड करके हॉस्पिटल में बंदे पर फाइट कहीं नहीं हो रहा है सिर्फ पोचिकी में ही राड़ा देखने को मिल रहा है तो हम पोचिंकी से निकल रहे पोचिंकी के राजा लोग अब भाई ये भी सही है भाई यहाँ से इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हमारे पास लूट नहीं है कुछ नहीं है हेल किट नहीं है काफ़ी जनों का हेल्थ रेड रेड दिख रहा है तो इनको यहाँ से जाना भी बहुत जरूरी है और टीम नंबर नाइन ने भी पीछे कदम उठा ली ये भी बहुत दूर निकल चुके हैं ये भी डिसीजन ले लिए कि हमको जाना है यहाँ से वो बोल रहे हैं हमको जाना है यहाँ से काफ़ी अच्छा डिसीजन यहाँ पे दोनों टीम का दोनों टीम कल्टी मार लिए भाई आप खेलो ना मज़ा आता है अरे ये कॉलेज का इवेंट है भाई कॉलेज वाले बंदे यानी सब दोस्त लोग खेल रहे हैं और हमें स्पेक्टेड करने का और स्ट्रीमिंग करने का यहाँ पे काम दिया गया है बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलो नाइन नंबर की टीम यहाँ से भाग चुकी है और नाइन नंबर की टीम तो पूरा ही बैकअप ले ली और वो भी चर्च के ऊपर जा चुके हैं अब टीम नंबर वन तो यहाँ पे तो पोचिंग से दोनों लोग भाग चुके हैं ऐसा समझ जाओ सजना हुआ मैं तेरा गटका घटका इज गटका गुटका बोला जाता है इसको ओके ओके और यहाँ पे हमको फाइट देखने को मिल सकता है टीम नंबर इलेवन वर्सेस टीम नंबर टू और हॉस्पिटल में यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकता है अगर ये बंदे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है यहाँ पे राड़ा राडा रे राड़ा नहीं बेचा पाड़ा भाई सामने में दो इधर दो नंबर उधर इलेवन नंबर यही बंदे थे शायद ओ भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई मार 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 खोपड़ी पड़ साले का इसकी इसमें होलोग्राफिक्स लगाए होलोग्राफिक्स लगा के कुछ नहीं हो सकता रे तेरा मैं राप्तार, अरे रे, रे, मेरा भाई रोम यस मेरी डार्लिंग रोम यारे कॉलेज का इवेंट था इसमें इवेंट है कॉलेज का इसमें बहुत बड़ा प्राइज वगैरह रखा गया है तो कॉलेज के बंदे खेल रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन दुनिया हो चुकी है अभी राफ्टर <laughs> टीम नहीं रे इसमें कॉलेज का है रे पूरा कॉलेज वालों का है ये आई डी पासवर्ड वगैरह नहीं मिलेगा इसमें अपना नहीं है ये आप लोग मजे लो देखो कॉलेज के इवेंट्स कैसे होते फिर आपको आप बोलोगे तो इनके साथ अपन मैचेस रखेंगे हर एक कॉलेज वाले के हर कॉलेज के बंदों को अपन पार्टिसिपेट करवाएंगे अपने ओ भाई इनका ध्यान जा चुका है यहाँ पे स्विगी वाले तू रुक जा स्विगी वाले तू कल ऑफर देना हमको दिवाली आ रही है पास में और यहाँ पे टीम नंबर इलेवन के दो बंदे टीम नंबर टू के चार बंदे यहां पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपने को देखने को मिल रहा है कौन? हाँ। हाँ। ये रोहन भाई इनका लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था और यहाँ पे टीम नंबर वन जो है वो पोचिंग की में अकेले ही दिखाई दे रही है पूरे पोचिंग की में और इस बंदा अगर चिकन डिनर निकालता है तो इस इवेंट के विनर ये टीम हो सकती है भाई साहब तो इन्होंने लास्ट गेम का चिकन डिनर मारा हुआ था और इस गेम में भी अगर चिकन डिनर मारते हैं तो पूरे इधर उधर मुझे दो टीम क्यों दिखाई दे रही है इधर ये दो टीम दिखाई दे रही है भाई साहब इधर तो नहीं है ना ये चार ही है ओके दो दो कलर दिखाई दे रहे थे चलो, चलो 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 लेट्स गो फाइट कहीं नहीं दिखाई दे रही है थर्ड लाइट ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई टीम नंबर इलेवन वर्सेस टीम नंबर टू टीम नंबर इलेवन वर्सेस टीम नंबर टू टीम नंबर टू का काफ़ी अच्छा रोटेशन यहाँ पे और टीम नंबर इलेवन ने अपना पूरा कब्जा बना के रखा है यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने जो स्कॉड हाउस है हम इनको निकलने नहीं देंगे और जाने नहीं देंगे सीधा खत्म करेंगे चार रहे या पांच रहे या दस आ जाए हम तो यहाँ के माइकल लाल है और यहाँ पे टीम नंबर सिक्स वर्सेस टीम नंबर नाइन का फाइट हो चुका है यहाँ पे डीपी का सिक्स एक्स लगा के काफी अच्छा टैप टैप का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे टीम नंबर नाइन को डैमेज पहुंचाते जा रहे हैं और 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 जल्दी जल्दी लोडिंग भी नहीं होता है एक्सपेक्टेड में ओए हेलो सुन मेरी बात ओए हेलो देख डीपी में सिक्स एक्स नहीं फोर एक्स लगा के मार मेरी बात सुन और तू दीवार के आर पार मार पाएगा फिर देख अपने आप एक एक्टिवेट हो जाएगा तेरा देख फोर एक्स लगा मेरी बात सुन डीपी में सिक्स एक्स मत लगा बहुत बहुत रिकॉयल हलता है नए अपडेट में आया है मैं तेरे को बता रहा हूँ सुन ले मेरी बात <laughs> और सारे बंदे झोन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे पर ये दो बंदे तो यहीं पे लटके हुए घटका 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 में नहीं है नहीं है घटका नहीं है इधर टीम नंबर वन पूरे तरीके से सेफ घटका में अभी कोई बंदे नहीं हैं घटका में जो भी होल्ड करके रखेगा उनका काफ़ी अच्छा है यहाँ पे और एक बंदा यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है काफ़ी अच्छा रोटेशन सिक्स नंबर की तरफ से और सिक्स नंबर वर्सेस नाइन नंबर नाइन वर्सेस नंबर वर्सेस सिक्स नंबर बंदे को पूरा खिल किया गया है यहाँ पे टीम नंबर नाइन के और सेकंड नंबर का भी बंदा यहाँ पे बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस टीम नंबर सिक्स का और टीम नंबर सिक्स का जो बंदा है भाई क्या नाम है इनका भाई साहब टीम नंबर सिक्स का बंदा क्वीन क्वीन गेम ओ भाई क्वीन गेम दिखा रहे हो आप ओ भाई

और यहाँ पे टीम नंबर नाइन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके टीम नंबर सिक्स को अगर उल्टा किया जाए तो इन्होंने पूरी तरीके से उनको उल्टा पाल्टा कर डाला और पूरा नाइन नंबर बना डाला इनका वाला नाइन नंबर की टीम यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने रोटेशन दिखाया क्वीन का जो गेम प्ले वो पर्सनल लेवल के मुझे प्रो वाला लग रहा है इस बार ओ भाई साहब नाइस गेम प्ले है बबडी सिक्स एक्स का स्प्रे वर्सेस एम फोर सिक्सटीन कोई बंदे को नहीं रोक सकती चलो हम टीम नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं या घटका में जो भी होल्ड करेगा वो तो सीधा यहाँ पे चिकन डिनर ही मारेगा भाई साहब फ़िलहाल तो घटका में कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि घटका को जो होल्ड करेगा वो चिकन डिनर मार सकता है पर घटका के अक्खे बिल्डिंग में कोई नहीं है और ये लोग क्या कर रहे हैं आपको भाई जोन में जाओ पहले जोन को पकड़ो टीम नंबर सिक्स का, का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और टीम नंबर सिक्स अगर जाके सीधा घटका में टक्कर मारती है और टीम नंबर वन वर्सेस टीम नंबर सिक्स का यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगा और इस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे टीम नंबर सिक्स का दिखाई दे रहा है और ये टीम अगर भारी पड़ सकती है तो सिर्फ टीम नंबर वन पे भाई साहब और ये घटका की तरफ तो, तो नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे मुझे ये तो सीधा सीधा निकल रहे है सीधा टीम नंबर सोलह की तरफ टीम नंबर सोलह तुम्हारे लिए आ रहा है मैंने बोला था और ये शुरू से ही टीम नंबर एट के साथ फाइट कर रहे हैं तो टीम नंबर एट वर्सेस टीम नंबर सोलह वर्सेस टीम नंबर नाइन नहीं टीम नंबर सिक्स सॉरी इनका फाइट देखने को मिल सकता है यहाँ पर टीम नंबर सोलह टीम नंबर एट और टीम नंबर सिक्स और मैंने जैसे बोला था उसी तरीके से टीम नंबर सिक्स का जो थर्ड पार्टी जो होता है वो हो चुका है टीम नंबर सिक्स ने पीछे से आके वार करना चालू कर दिया है टीम नंबर सोलह को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम नंबर सिक्स के प्लेयर ने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है टीम नंबर सिक्स को हम एक्सपेक्टेड करेंगे भाई को ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है बंदा बहुत ही अच्छे तरीके से इसने निकाला निकाले बहुत ही अच्छे तरीके से इसने नॉकआउट निकाला है सो के स्प्रे मारा जा रहा है ओ भाई साहब ओ एक एक गिरा एक गिरा बहुत अच्छे एक गिरा एक गिरा दूसरे को गिरा 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 खोपड़ी पोड़ तोपड़ी पोड़ ओ भाई साहब टीम नंबर सिक्स ने तो इतना डाला रे भाई उनका गाड़ी अभी तक नहीं फूटा है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे आदि गेमिंग क्वीन गेमर ओपी हाँ क्वीन गेमर ओपी बोलती पर क्वीन गेमर ने गाड़ी फोड़ डालना था उसकी इतना इतना स्प्रे था इसका और टीम नंबर सोलह को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम नंबर सिक्स को यहाँ पे ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है और टीम नंबर सोलह का एक बंदा यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है टीम नंबर सोलह को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से थर्ड पार्टी का बहुत ही गंदा गेम यानी इनको कहीं से भी भगवान ने साथ नहीं दिया है बहुत ही गंदी किस्मत इसको बोल सकते हैं टीम नंबर सोलह की और टीम नंबर सोलह को घटका से भी मारा जा रहा है और इधर से टीम नंबर सिक्स भी मार रहे हैं और पीछे से टीम नंबर कौन आ रहा है पता नहीं वो धुंधला धुंधला दिख रहा है टीम नंबर एट है शायद हाँ टीम नंबर एट और जोन भी आ चुका है टीम नंबर सोलह की किस्मत बहुत ही ख़राब थी रे इस बार साथ नहीं दिया आपको और एक बंदा बचा हुआ है अभी भी स्मोक में बचा हुआ है और ये बाहर निकलते ही इसका यहाँ पे पेटी हो सकता है अगर ये पार टीम नंबर बाई थर्टीन का कोई यहाँ पे किस्मत ही नहीं था और टीम नंबर सिक्स भी निकल चुके हैं टीम नंबर वन यहाँ पे घटका में राज कर रही है अभी भी और टीम नंबर वन जो घटका में राज कर रही है शायद ये फिर से चिकन डिनर अगर मारते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा इतिहास बन सकता है बाई साहब और घटका की तरफ से जोन जा चुका है घटका में होल्ड करके अब कोई फ़ायदा नहीं होगा और सीधा हम बढ़ते टीम नंबर वन किसको स्प्रे मार रहा है रे बाबा हमको भी देखने दो थोड़ा सा अरे यहाँ कौन दिखाई दे रहा है रे तेरा को और है क्या हाँ भाई और है और है और है टेंशन मत लो टेंशन सॉरी मुझे कॉल आ गई थी और यहाँ पे यहाँ पे फाइट देखने को मिल रहा है हमको टीम नंबर फाइव की तरफ बढ़ते क्योंकि ये जोन को होल्ड करके है और भाई ये कौन सा गन ओ भाई पीपी -पी जोन पीपी -पी जोन के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसको भी दे चुका है टीम नंबर सिक्स का एक प्लेयर ने यहाँ पे टप्पी 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 मार चुका है टप्पी और भाई यहां पे टीम नंबर इलेवन टीम नंबर ओ भाई क्वीन 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 को देखना पड़ेगा सॉरी सॉरी गलत स्पेक्टेड हो गया अपना रोहन 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 क्वीन को देखना पड़ेगा हमको क्वीन गेम क्वीन गेम का काफी अच्छा रोटेशन यहां पे देखने को मिलेगा इन्होंने क्वीन गेम फिनिश दो दो को फिनिश कर चुके हैं ये जोन की तरफ बढ़ रहे हैं फिलहाल और इनके पास तो अभी कोई नहीं है ओ भाई ग्रेनाइट पे बरसात ग्रेनाइट की बरसात और ग्रेनाइट की बरसात बोले तो टीम नंबर फाइव वर्सेस टीम नंबर एट टीम नंबर फाइव वर्सेस टीम नंबर एट का यहाँ पे परफॉर्मेंस टीम नंबर एट के दो प्लेयर पीछे क्या कर रहे हो रे अपने बंदे को यहाँ पे सपोर्ट तो करो कम से कम भाई वो अकेला स्ट्रगल कर रहा है अकेला बंदा अब लड़ रहा है अकेला ग्रेनाइट डाल रहा है अकेला ग्रेनाइट से बच रहा है अकेला हीलिंग कर रहा है उसको कुछ तो मदद करो रे अरे करो रे टीम नंबर फाइव यहाँ पे उसका कुछ भी कर सकता है और टीम नंबर वन का, का काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे टीम नंबर वन टीटीपी लेके यहाँ पे खेलेगा टीम नंबर सिक्स उधर रोटेट कर चुकी है टीम नंबर सिक्स भी थर्ड पार्टी करेंगे और टीम नंबर एट भी यहाँ पे रश कर चुका है टीम नंबर एट को यहाँ पे पास में जाना बहुत मुश्किल है टीम नंबर वन का काफ़ी अच्छा पोजिशन यहाँ पे। टी का काफ़ी अच्छा यहाँ पे ओ भाई टीम नंबर एट आखिर टीम नंबर वन वाले ने लूट लिया रे तुमको और ये क्या हो गया टीम नंबर पीछे से आ चुकी है गाड़ी लेके टीम नंबर तुम्हारा तो हो गया रे बाबा तो लो 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 टीम नंबर तीन बंदे ना कर लो 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 दो बंदे दो बंदे दो बंदे टीम नंबर वन वर्ष टीम नंबर फोर और यहाँ पे थर्ड पार्टी पीछे से हो चुका है क्वीन गेम ने यहाँ पे थर्ड पार्टी कर चुका है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे टीम नंबर फोर का एक ही बंदा बचा हुआ है और एक बंदा रिव्यू करेगा पूरी तरीके से और गेम क्वीन भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे टीम नंबर फाइव भी यहाँ पे फाइट कर रहा है टीम नंबर फाइव वैसे टीम नंबर एट भी हो चुका है उधर एक बंदे को रिव्यू मिल चुका है और यहाँ पे क्वीन गेम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस टीम नंबर वन का एक प्लेयर नॉकआउट कर चुका है ओ भाई साहब ओ भाई साहब स्मोक की स्मोक की प्रदर्शन यहाँ पे स्मोक करना स्मोक माहौल बना दिया रे ओ भाई टीम नंबर एट टीम नंबर एट टीम नंबर एट ने यहाँ पे पूरे बंदों को खा दिया इधर बहुत अच्छे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस टीम नंबर चार बहुत ही बेहतरीन तरीके से बची हुई है ये क्वीन को खाना बहुत जरूरी है और टीम नंबर सिक्स टीम नंबर सिक्स के एक बंदे ने रश कर चुका है बहुत ही अच्छे बहुत बेहतरीन पीछे से कवर और टीम नंबर सिक्स वर्सेस टीम नंबर वन टीम नंबर वन वर्सेस टीम नंबर एट तीन टीम यहाँ पे बची हुई है और तीन टीम का यहाँ पे अपने को परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और भाई साहब यहाँ पे वन वन बंदे डाउन हो चुके हैं और यहाँ पे सिक्स सिक्स नंबर का जो बंदा है वो भाई साहब क्या माहौल बना डाला रे इन्होंने मुझे खेलने का मन हो गया टीम नंबर एट ने पीछे से रोटेशन करके टीम नंबर की वन यहाँ पे जान खतरे में डाल दी है ट्वेंटी नंबर के डिग्री से यहाँ पे अपना एंगल बनाती हुई टीम किल अपने अकाउंट में करेगा ये बंदा मुझे पता है वे एक बंदा नॉकआउट दो बंदे नॉकआउट और पूरी टीम खत्म यहाँ पे टीम नंबर वन और यहाँ पे टीम नंबर सिक्स वर्सेस टीम नंबर एट यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे पूरी तरीके से और पीछे से आके इसने ड्रॉप लूटा ड्रॉप में कुछ नहीं और यहाँ पे टीम नंबर एट का एक प्लेयर ने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया वो अखे महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिखा सकता है भाई साहब पूरे टीम नंबर वन को खा डाला उसने टीम नंबर सिक्स टीम नंबर एट टीम नंबर सिक्स टीम नंबर एट अब देखने को मिलेगा अपने को यहाँ पे अच्छा और यहाँ पे फाइट करेगी टीम नंबर सिक्स का जो ये क्वीन वाला जो है ना क्वीन गेम ये बहुत अच्छा गेम के लिए खेला है भाई साहब और यहाँ पे एक बंदा नॉकआउट बहुत अच्छे बहुत अच्छे टीम नंबर सिक्स ओ भाई साहब Queen. और यहाँ पे मैच एंड होते हुए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस क्वीन गेम की तरफ से हमको मिल देखने को मिला है पांच बंदे उन्होंने मारा है छः बंदे पांच और छ होते हैं ग्यारह और ग्यारह और चार होते हैं पंद्रह और पंद्रह और एक होता है सोलह सोलह किल के साथ यहाँ पे चिकन डिनर देखने को मिल रहा है और भाई साहब ये क्वीन गेमर्स जो है वो ठीक है इनका देखना पड़ेगा ठीक है सोलह किल के साथ यहाँ पे चिकन डिनर ठीक है और थर्ड रैंक पे हम सेकंड रैंक पे हमारे सेकंड रैंक पे चार किल लेके बैठे दो एक तीन और एक चार ठीक है चार किल लेके और थर्ड रैंक पे बैठे हैं दो किल लेके बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस आपको स्कोरबोर्ड थोड़े देर में ही देखने को मिलेगा और उसके बाद हम आपको कस्टम रूम का Rukun 2 second lah Mereka pustahu गाइस चलो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए दो ही कस्टम रूम रखे गए थे दो कस्टम रूम में जिन्होंने पार्टिसिपेट लिया था उनका स्वागत है और जिन्होंने चिकन डिनर मारा है उनका उनको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेजुलेसन आपको थोड़ी मिनटों में स्कोर बोर्ड या फिर आपके कॉलेज में अनाउंसमेंट हो जाएगा स्कोर्ट बोर्ड और उसका जो प्राइज होगा वो आपको मिल जाएगा ठीक है और आ, उसी के साथ में बहुत सारे बंदे हमारे साथ आज जुड़े हुए थे जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा और जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो तुम्हारे भाई के 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले और 2000 सब्सक्राइबर्स बोले तो कुछ कम बात नहीं होती है इसलिए आप जल्दी से जल्दी सभी लोग मिलकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो और पबजी के मजे ले सकते हो हम रोज़ पबजी का स्ट्रीम करते हैं पबजी का लाइव करते हैं हमारा गेम प्ले अगर देखने की इच्छा हो ऐसे ही छोटे बड़े कस्टम रूम्स भी होते रहते हैं काफ़ी अच्छे प्राइज हम रखते हैं यू का गिव अवे रखते हैं रॉयल पास का गिव अवे रखना हम चालू करने वाले हैं कुछ ही दिनों में फोर्टी लाइक्स आज की वीडियो को हो चुके हैं थैंक यू सो मच हो सके तो हंड्रेड लाइक्स कम्प्लीट कर दो गाइज और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट कस्टम रूम में अगर आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस और आपके कॉलेज वालों को अच्छा कुछ बनाना या दिखाना चाहते हो तो आप अपना लिंक शेयर कर सकते हो तो ये लास्ट कस्टमर रूम था कुछ नहीं मिलता है भाई कुछ नहीं मिलता है भाई कॉलेज से <laughs> अरे सब मिलेगा सब मिलेगा आप टेंशन मत लो अनुराग दादा सब मिलेगा तुम टेंशन काहे लेते हो भाई साहब जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो कम ऑन टू के अगर आपके सामने होते तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी एक इतिहास बन जाएगा टू के टू के कमॉन बीस सब्सक्राइबर्स और चाहिए अपने को कितने बी सी चाहिए ना रुको देखने दो मुझे जल्दी से कम ऑन लाइट्स गो गाइस फिर अपन दो ही कस्टम रूम था बहुत अच्छा खेले आपने पढ़ाई के साथ साथ आप गेमिंग की तरफ भी ध्यान देते हो बहुत बड़ी बात है हमको पता नहीं था कि यानी हमारे कॉलेज के बंदे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं यानी हम आगे बढ़ सकते हैं अब तो ठीक है ठीक है चलो गाइस 1.96 के हो चुके हैं अगर 40 सब्सक्राइबर्स अपने बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ठीक है 40 सब्सक्राइबर्स और चाहिए अपने को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस लोग हाँ दादा हो जाएगा आज आपके कंप्लीट अरे थैंक यू सो मच अनुराग मेरी डार्लिंग थैंक यू सो मच आपने बोल दिया हो गए समझो टूके थैंक यू सो मच चलो गाइस हम आज की स्ट्रीम यहीं पे समाप्त करते हैं अगर नेक्स्ट कस्टम आपको रखना है इसी चैनल पे तो आप अपने कॉलेज वालों को फोर्स कर सकते हो आपके टीम लीडर से बात कर सकते हो कि भाई फिर से बी का कस्टम रूम रखो और हम खेलना चाहते हैं तो आप फिर से हमारे साथ जुड़ सकते हो मिलते हैं हम आपको फिर से दोबारा तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर स्वीट ड्रीम लव यू का गया स्वताची टाटा